Hi guys, welcome to Taylor Made Stories with a brand new episode with me, Neeti Taylor Bawa. I hope you all are doing great. मतलब festive season is just, it's all begun. So हाँ, preparation, थोड़ी घर की सफाई, थोड़ी चीज़ें करनी है, नई चीज़ें करनी है. So yes, I'm busy with that. But festivals आ गए हैं, as we all know. Ganpati is here and then now we'll start with Navratri. एंड कोलकाता में जो है उनके लिए दुर्गा पूजा भी होगा, फिर उसके बाद करवा चौथ एंड आफ्टर दैट दिवाली. सो यस, मैं अपने घर जाने वाली हूँ, लेकिन आज शाम को मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नए आइटम्स खरीदे हैं बिकॉज ऑफ दीज फेस्टिवल्स एंड इट्स सो नाइस. आई होप दिस ट्रे इज़ लुकिंग गुड. ओके, इधर डाल देते हैं. ये जो है, ये जो ट्रे मेरे को मिला था, सो फैंस ने मुझे कुछ गिफ्ट किया था विथ लॉट ऑफ लाइक ईटरीज एंड एवरी थिंग. सो मैंने इसको ये बना दिया एंड आई थिंक यू नो दिस इज हाउ यू शुड री यूज योर थिंग्स. सो जैसे कि आई जस्ट मैंशन कि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स साफ सफाई तो बहुत ज़रूरी है. एंड जब ये फेस्टिवल्स आ जाते हैं ना, आई मीन ये टाइम इतना बिजी हो जाता है दैट वी फॉरगेट टू डू सेल्फ केयर. एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा था, मेरी स्किन की पूरी वाट लग गई थी, आई गॉट एन एलर्जी. तो उसके बाद आई एम वेरी वेरी यू नो कॉशियस अबाउट माई सेल्फ केयर. तो इसलिए सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है. और यू नो मेरा स्किन केयर रूटीन इज़ अ मस्ट एंड वेरी वेरी नेसेसरी. एंड सिंस वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ही केयरफुल हो गई हूँ. तो स्किन केयर रूटीन की बात जैसे मैंने की है, नाउ एज़ यू ऑल नो कि मैं ना बहुत लेस मेकअप लगाती हूँ. आई प्रिफर कि मेकअप कभी लगे ही नहीं, मतलब टच वुड अच्छी स्किन है, बट फेस्टिवल है तो मतलब रेडी शेडी मेकअप वेकअप यू नो होना चाहिए एंड करना भी चाहिए. आई थिंक यू नो वंस इन अ व्हाइल यू शुड डू इट फॉर योर सेल्फ. स्किन केयर रूटीन आई डोंट मिस इट, चाहे वो सुबह को 15 मिनट हो या मेरे रात के 15 मिनट, मतलब आई हैव टू डू इट. और ये एकदम यू नो द स्किन रूटीन दैट आई एम फॉलोइंग बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. एंड आई मेक श्योर कि 15 मिनट्स में सुबह को निकालूँ और 15 मिनट्स में रात को निकालूँ. एंड आई थिंक यू गाइस शुड ऑल्सो फॉलो दिस बिकॉज इट्स रियली गुड एंड इट रियली हेल्प्स. सो मैं अपने फेस पे अगर कुछ भी लगाती हूँ तो आई थिंक मैं पूरा रिसर्च करती हूँ बिकॉज आई डोंट पुट एनी थिंग एंड एवरी थिंग. लाइक इवन अगर मेरा DIY है या मेरा स्किन केयर रूटीन और एनी प्रोडक्ट दैट आई एम पुटिंग ऑन माई स्किन, आई मेक श्योर कि मैं पूरे इंग्रीडियंट को यू नो पूरी छानबीन करूँ और फिर ही मैं यूज़ करूँ. एंड सिंस आई हैव वेरी सेंसिटिव स्किन, सो आई मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और एनी थिंग दैट आई एम पुट. एंड द ब्रांड दैट इज़ वर्किंग फॉर माई स्किन राइट नाउ इज़ जॉय. एंड इसका जो प्रोडक्ट वैल्यू इज सो हाई एंड इवन द इन्ग्रीडियंट्स दैट आई यूज़ इज़ अमेजिंग. So the routine that I'm following is working wonders to my skin. So I will take you through my CTMS routine. So chaliye, let's begin. So first step of course is the face wash, and I make sure ki you know I use a face wash. I cleanse my face at least twice a day, for which I use Joy Revivify Vitamin C face wash. That is super gentle aur best hai ki isme vitamin C hai jo instantly bright karta hai face ko. सो इसको अगर आप रेगुलरली यूज़ करोगे ना, तो यू कैन एक्चुअली सी द डिफरेंस एंड यू कैन सी द इंस्टेंट ग्लो. एंड जो आपके स्किन पे अगर कोई स्पॉट्स है या कुछ है ना, तो यू एक्चुअली सी कि वो जा रहे थे डिसअपीयरिंग स्लोली. स्किन इज फीलिंग ऑल क्लीन एंड नाइस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ द टोनर. तो यू नो वॉट, टोनर पे मैं कभी यूज़ नहीं करती थी एंड आई नेवर यूज टू बिलीव इन अ टोनर, बट आफ्टर यूजिंग दिस टोनर आई थिंक गाइज आप एक बार यूज़ करो ना, यू विल ऑल्सो टेल मी कि दिस इज़ सच अ ग्रेट प्रोडक्ट एंड आई यू शुड डू इट यू नो एवरी टाइम यू डू योर स्किन केयर रूटीन. सो आई एम यूजिंग द जॉय रेविफाई वाइटामिन सी फेस लिक्विड टोनर एंड ट्रस्ट मी इट्स जस्ट अमेजिंग एंड अ गेम चेंजर. सो दिस टोनर मेक्स मी अचीव अ हाइड्रेटिंग स्किन एंड अ ग्लोइंग स्किन. सो आई जस्ट स्प्रे एंड पैट इट इन टू माई स्किन एंड इट डजन इरीटेट माई स्किन, क्योंकि इसमें एल्कोहल नहीं है. एंड इंस्टेंटली मेरा जो स्किन है ना, वो हाइड्रेट हो जाता है एंड ब्राइटन अप हो जाता है, आप देख सकते हो. और अब बारी है मेरी फेवरेट प्रोडक्ट की बारी, इट्स द मॉइस्चराइजर. यू नो एक तो मेरा स्किन इतना ड्राई है, सो थ्रू आउट द ईयर आई एक्चुअली जस्ट यूज जॉय हाइड्रा रिफ्रेश अल्ट्रा लाइट जेल oil free moisturizer. And trust me guys, you can use it at any time of the season because it's just amazing. So firstly, the product is so lightweight because it is water based and plus hydration to instantly mil jati hai. It's super simple and super easy.
मैं इसे अंडर मेकअप यूज करती हूँ एंड दिस वर्क्स रियली ग्रेट फॉर मी. यू नो जिनका भी स्किन बहुत ऑयली है मेक दिस योर बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दिस हैज हाइलुरोनिक एसिड विच इज रियली गुड फॉर योर स्किन. लास्टली गाइज SPF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहे आप इंडोर हो या आउटडोर हो. लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, मैं हमेशा एक्चुअली मैंशन करती हूँ कि सनस्क्रीन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजीम फॉर योर स्किन. अ हाई प्रोटेक्शन लाइक SPF 50 PA++++ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड यूज इट यू नो बिफोर यू ऑलवेज स्टेप आउटसाइड योर हाउस. इट इज अ नेसेसिटी सो डू इट. एंड दिस जॉय रेवी 5 हेलो सन केमिकल फ्री मिनरल सनस्क्रीन इज माई गो टू एंड दिस इज वॉट आई यूज एंड इज अमेजिंग. ये सनस्क्रीन मैं इसलिए यूज करती हूँ बिकॉज इट इज SPF 50 PA++++ एंड ये बहुत जिनकी सेंसिटिव स्किन है ना दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड यूज. इवन इफ इट्स विंटर्स या समर्स यू गाइज डोंट हैव टू वरी बिकॉज इसमें वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं आता. ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाता है. गाइज अगर एक टिप देनी है, अगर आपका सनस्क्रीन बच जाता है तो यू नो पुट इट ऑन योर ईयर्स एंड डू नॉट फॉरगेट योर नेक. इट्स वेरी वेरी With this effective CTMS, I am done with my routine. And guys, if you genuinely do it every single day, you will genuinely see a difference. But अब मैं ready होने वाली हूँ because I need to wear my kurta. My friends are coming and थोड़ा makeup मैं लगाने वाली हूँ to be all ready and set for my festive occasion. So चलो, I'm gonna get ready now. Bye. So I'm all ready for my friends and for this festive occasion. And guys, don't forget to check out Joy K products. मैंने description box में लिख दिया है, so go check it out. And don't you worry, it takes less than 10 minutes. अगर मैं इतना आराम से करो वो different बात है, लेकिन it takes less than 10 minutes to do this routine. So follow it, don't forget. And don't forget to like, share, subscribe and shower all your love to tailor-made stories. Thank you and happy Ganpati, happy Navratri, happy everything to all of you. Okay, bye guys.